Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I welcome all of you to excellent e-learning program. My name is Muzammil Hussain. I am assistant professor of English. और मेरे तारुफ से ही आपको पता चल गया होगा कि आज का हमारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है. और बोर्ड पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट सेकंड. गोया आज हमारी गुफ्तगू का मौजू इंटरमीडिएट इंग्लिश पार्ट सेकंड है. और हमारा मौजू गुफ्तगू इंग्लिश का जो पेपर है उसका पैटर्न है. आप लोग चूँकि पार्ट सेकंड के तलबा हैं तो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि आपका सब्जेक्ट चाहे जौन सा भी हो, इंग्लिश है या कोई और, आपको अपने पेपर का पैटर्न बड़े अच्छे तरीके से याद भी होना चाहिए और बड़ी अच्छी तरह आपके जहन में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी उसकी होनी चाहिए. इसके आपको कई फ़ायदे हैं और अमली तौर पर आप इससे वाकिफ़ हैं. एक आद का मैं जिक्र कर देता हूँ कि पेपर के पैटर्न की कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये देती है कि हम ये जान सकते हैं कि पेपर का कौन सा ऐसा हिस्सा है जिस पर हमने कितना फोकस करना है, यानी कि कितना टाइम देना है, कौन सा हिस्सा हमारे लिए अहम है मार्क्स के हवाले से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से. इल्मी लिहाज से तो हर चीज़ अहम होती है, लेकिन एग्ज़ाम जो है वो सिर्फ इल्म ही नहीं है बल्कि टेक्निक भी है जहाँ तक मार्क्स का ताल्लुक है. तो पेपर पैटर्न आपको टेक्निक के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. तो अब अगर आप देखें तो पहले की तरह हमारा जो पेपर है वो 100 मार्क्स का है और वो दो हिस्सों में बटा हुआ है. पहला हिस्सा क्या है जी, ऑब्जेक्टिव, वो 20 मार्क्स पे है. दूसरा हिस्सा सब्जेक्टिव है और वो 80 मार्क्स पे मुश्तमिल है. अब हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तफसील को देखते हैं. तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो सिनोनिम्स का क्वेश्चन है और इसके 10 मार्क्स हैं. अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए कतअन नया नहीं है. आप इंग्लिश के पेपर पार्ट 1 इंटरमीडिएट में इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं. उस पार्ट के अंदर भी ये 10 मार्क्स का था, यहाँ पर भी इसका वेटेज जो है मार्क्स के हवाले से 10 ही है. इसका स्टाइल क्या होगा, वही है जो इंग्लिश मीडिएट पार्ट 1 में था. मैंने सिर्फ आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल जो है वो ऊपर लिख दी है. ये जुमला जो है ये मैंने आपका पहला ही लेसन जो द डाइंग सन है उसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया है कि द साइज़ ऑफ ईच स्टार इज़ अनइमेजिनेबली इमेंस, कि हर सितारे का साइज़ जो है वो नाकाबिले तसव्वुर हद तक इमेंस है. अब इमेंस के क्या मानी है, ये नीचे चार ऑप्शंस हैं और अगर आपने पहला लेसन अच्छे तरीके से पढ़ा है और याद है तो इमेंस के मानी ह्यूज हैं. बकिया जो तीन ऑप्शंस हैं वो आपसे मुतल्लिका नहीं हैं. तो ये एग्ज़ाम्पल जो है महज आपकी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए है. मुझे या उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि ये क्वेश्चन आपके लिए कतअन नया नहीं है. इसमें एक बात की वजाहत मैं करता चलूँ कि ये जो 10 मार्क्स हैं आपके, ये दो बुक्स हैं आपके निसाब में शामिल जिसकी तफसील अभी थोड़ी देर बाद आपको मिल जाएगी, उनमें से आएंगे. एक नावल है, बल्कि उसको नावलेट कहना चाहिए, छोटा है, गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से. और एक बुक जो है वो प्रोज पर मुश्तमिल है, उसके दो पार्ट्स हैं, तफसील अभी आपको मिल जाएगी. तो उसके लेसन जो हैं वो 16 है इन नंबर. जो आपका गुड बाय मिस्टर चिप्स है उसके 18 चैप्टर्स हैं. तो अगर आप इन दोनों को प्लस करें तो 34 लेसन्स बनते हैं. तो ये 10 मार्क्स जो कि वोकैबुलरी पर मुश्तमिल हैं, ये 34 लेसन्स की अच्छी तरह से वोकैबुलरी को याद करने के बाद आपको हासिल होंगे. इंग्लिश का हमेशा याद रखें, किसी भी लेवल पर एग्ज़ाम जो है, या इसको ज़रा और मैं जनरलाइज करूं, किसी भी लैंग्वेज का किसी भी लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है उसकी वोकैबुलरी इंतहाई अहम होती है. आप इंटरमीडिएट में एग्ज़ाम
दे रहे हैं इसमें भी वोकैबलरी इंतहाई अहम है। इंटरमीडिएट के बाद आप जितने भी एग्ज़ाम देंगे, ई कैट है, एम कैट है, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल्स पर जो जो आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ तक कि पीएचडी तक, तो इंग्लिश के हवाले से आप किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, वोकैबलरी आपका वाइटल पार्ट होगी। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने करियर के एक ऐसे मुकाम पर बहुत ज़्यादा वोकैबलरी हासिल कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक लॉन्चिंग पैड है। इंटरमीडिएट हमेशा से हमारे निज़ाम तालीम में एक लॉन्चिंग पैड है। लॉन्चिंग पैड क्या कि जहाँ से रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है और आप देखते हैं कितनी रफ्तार से वो खला की अथाह गहराइयों की तरफ चल पड़ता है। तो यहाँ से अगर आपका लॉन्चिंग पैड बहुत अच्छा होगा तो आप अपनी ज़िंदगी में इंग्लिश के हवाले से कम अज़ कम कहीं भी नाकाम नहीं होंगे। तो वेरी इम्पॉर्टेंट, आपने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है डे वन से। और ये बात आपको, मुझे पूरा यकीन है, इंटरमीडिएट पार्ट वन में भी आपके असातिज़ा ने मुख्तलिफ लेवल पर जहाँ पर भी आप पढ़ते रहे हैं कही होगी, तो ये दोबारा से इसकी अहमियत को जहन में रखें। दूसरी चीज़ जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आएगी वो है जी फिल इन दी ब्लैंक्स, कि आपने खाली जगह फिल करनी है। लेकिन फिल किससे करनी है ये नई चीज़ है। नई चीज़ किस में जी? इंटरमीडिएट पार्ट वन के मुकाबले में, वो है प्रेपोजिशंस। आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वो प्रेपोजिशन से करना है, किसी और चीज़ से नहीं करना। यानी कोई और लफ्ज़ जो है या और पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि प्रेपोजिशंस आएंगी। इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस कौन सी हैं और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं, इसकी तफसील जो है आइंदा आने वाले सेशंस में या लेक्चर्स में आपको मिल जाएगी। और हमारे प्लेटफॉर्म में ये सॉफ्ट पर से आप शॉर्ट फॉर्म में भी ये चीज़ें हासिल कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इस एक जुमला सिर्फ लिखा है, जुमला है ही बोस्ट ब्लैंक हिज वेल्थ। बोस्ट के मानी अगर आपको नहीं आते तो है जी शेखी बिगाड़ना, या दूसरा उर्दू में हो सकता है इतराना, बेजा इतराना। तो अब बोस्ट के साथ कोई ना कोई प्रेपोजिशन यहाँ पर आनी है जो कि ब्लैंक आपको इंडिकेट कर रही है। नीचे आपके चार ऑप्शन है, एग्ज़ाम में भी चार ऑप्शंस होंगे और अमूमी तौर पर वो ऑप्शंस ए बी सी और डी के साथ इंडिकेट किए जाते हैं। तो बोस्ट के साथ ऑफ की ओ एफ, एक सिंगल जो एफ वाला है, डबल एफ वाला नहीं है, तो इसके साथ हम इसको फिल करेंगे। तो आपने इसको टिक कर देना है, या बाज़ बच्चे इन सर्कल कर देते हैं जैसे आप चाहें। तो ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, तो यूं करके ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। तो इसमें ये हिस्सा जो है ये 5 मार्क्स पे मुश्तमिल है। हो सकता है आपको बोर्ड पे ये लिखा हुआ नज़र ना आए, तो ये 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। तो 10+5 आपके साथ क्या हो जाएंगे जी? 15। उसके बाद क्या है जी? करेक्शन। अब ये जो करेक्शन वाला हिस्सा है ये इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड के हवाले से एक अहम भी है और मुश्किल भी है। अहम तो इसलिए है कि ज़ाहिर है आपके पेपर का हिस्सा है, मुश्किल इसलिए है कि इसमें सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच शामिल हैं। अगर आप रिकॉल करें तो आपका इंटरमीडिएट पार्ट वन में सिर्फ एक पार्ट ऑफ स्पीच शामिल था और वो क्या था जी? वर्ब था। यहाँ पर करेक्शन में आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तैयार होना पड़ेगा। अनलकीली इसके जो वेटेज है मार्क्स के हवाले से वो 5 है। तो 10+5+5 ऑब्वियसली इक्वल टू 20। इसकी नौइयत क्या आ सकती है? एक एग्जांपल आपके सामने है जी, एक जुमला यहाँ पे बिल्कुल ऊपर लिखा जाएगा जो कि गलत होगा। तो मैंने एक जुमला लिखा है कि ही लव हिज बुक्स। अब इसके हवाले से 4 ऑप्शन आपको ए बी सी डी के की सूरत में नीचे नज़र आ रहे हैं। मैं एक एक ऑप्शन पढ़ता हूँ। तो पहला ऑप्शन है ही लव्स हिज बुक्स, हो सकता है ये दुरुस्त हो। दूसरा है जी ही लव्स विद हिज बुक्स, दूसरा हो सकता है दुरुस्त हो। ही लव्स फ्रॉम हिज बुक्स, और फोर्थ है डी की सूरत में ही डू लव हिज बुक्स। तो हम जो करेक्शन के रूल्स पढ़ेंगे उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से दुरुस्त कौन सा है, और वो है जी पहले वाला। मैंने जानबूझकर जितने भी ऑप्शंस दिए हैं उसमें पहले वाले को
दुरुस्त लिखा है तो ए ऑप्शन आपका दुरुस्त है। वजूहात क्या है ये हम आइंदा आने वाले सेशंस में जब करेक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मैं इस पूरे जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जो कि 20 मार्क्स पे मुश्तमिल है इसको सम अप कर देता हूँ कि इसमें 10 मार्क्स जो हैं वो सिनोनिम्स के होंगे। फिल इन दी ब्लैंक्स विद प्रपोजिशन, ये प्रपोजिशन का लफ्ज़ आपने जहन में रखना है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये 5 मार्क्स का होगा और करेक्शन का क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का होगा। और करेक्शन के हवाले से आपसे मैंने अभी कहा कि तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सिर्फ एक नहीं है, और इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को आप इंटरलेट करें। मसलन यही जो आपके सामने जुमला है ब्लैंक की सूरत में, हो सकता है आपको इधर आ जाए, किस तरह आ जाए, ही बोस्ट ऑफ हिज वेल्थ, यानी कि इसके साथ प्रपोजिशन गलत लगा दी जाए और इधर यानी करेक्शन वाले हिस्से में इसको लिख दिया जाए। बिल्कुल इसी तरह नीचे 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएं। तो अगर आपको याद होगा कि बोस्ट के साथ ऑफ की प्रपोजिशन आती है तो यहाँ पर भी ये आपके काम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे तो इसके साथ ही आपका जो करेक्शन वाला क्वेश्चन है वो उसका एक हिस्सा यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम प्रपोजिशन कहते हैं वो तैयार हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में इंटरलेटेड हैं। तो इस तरह करके ये आपका 20 मार्क्स का पेपर मुकम्मल हो जाएगा। अब हम जो हैं इसके बाद सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के मुताबिक गुफ्तगू। तो अजीज़ तलबा अब हम अपने पेपर पैटर्न के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जो कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है। और आप जान चुके हैं कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के मार्क्स जो हैं 80 हैं। इन 80 मार्क्स की डिवीज़न क्या हो सकती है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम बुक्स को कवर करेंगे, बुक्स के बाद का जो हिस्सा है वो फिर आपको दोबारा से बताया जाएगा। अभी बोर्ड पे जो आपको नज़र आ रहा है ये बुक से रिलेटेड हिस्सा है। इसके बाद इसको कवर करने के बाद हम अपने और सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के बकिया पोर्शंस के साथ पर गुफ्तगू करेंगे। तो लेट्स सी द पार्ट रिलेटेड टू द बुक्स। आपके पास 2 बुक्स हैं इंटरमीडिएट पार्ट 1 की तरह, और जो पहली किताब है इसको वो बुक सेकंड कहते हैं। बुक सेकंड के हवाले से आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपकी बुक 3rd 2 हिस्सों पे मुश्तमिल थी। एक हिस्से में शॉर्ट प्लेस शामिल थे और दूसरे हिस्से में पोएम्स शामिल थी। तो यहाँ पर भी इसी तरह 2 पार्ट्स हैं। एक हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे एसेज हैं। ये एसेज सीरियस भी हैं, ह्यूमरस भी हैं, जैसे हम बुक पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। और ये इनकी तादाद जो है वो 10 है। इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है जो अभी मैं करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस जो हैं इस दोनों बुक्स जो बुक 2 है और ये नावल जो है आप सिर्फ और सिर्फ इसमें से क्वेश्चंस तैयार करेंगे। ये दोनों बुक्स जो हैं इसमें से आप क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे और वोकैबुलरी वाला पोर्शन जो है जो कि ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस कर सकते हैं, नो ट्रांसलेशन। ये इसलिए मैं इस पर ज़ोर दे रहा हूँ कि कुछ तालिब इलम जो हैं पूरे सेशन के अख्ताम तक ये पूछते रहते हैं कि इसमें से ट्रांसलेशन आएगी कि नहीं, क्योंकि वो पार्ट 1 में अपनी बुक में से ट्रांसलेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके होते हैं तो उनके जहन में वो बात पता नहीं किसी वजह से जाती नहीं है। तो आपने अपने जहन से ये चीज़ मुकम्मल तौर पर हज़फ करनी है, डिलीट करनी है। हज़फ की बजाय डिलीट का लफ्ज़ आपके लिए ज़्यादा आशना होगा। तो डिलीट करनी है कि आपकी ये दोनों बुक्स जो हैं, बुक सेकंड जो है और नॉवल जो है, दोनों जो हैं इनमें से ट्रांसलेशन से मुराद क्या है, फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फिर पीछे रह क्या जाएगा, अगर हम सिर्फ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करें तो वो है क्वेश्चंस जिनके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं। तो मैं उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की बात कर रहा हूँ कि इसका पहला पोर्शन एसेज पे मुश्तमिल है, एसेज की तादाद 10 है। इसमें से 12 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनके आपने शॉर्ट आंसर्स देने हैं, और आप जानते हैं कि मुमी तौर पर वो 3 से 5 लाइंस में आपने मुकम्मल करने हैं।
तो गोया ये 12 मार्क्स हो गए। दूसरा हिस्सा जो है वो हीरोज़ पर मुश्तमिल है, यानी कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो मुख्तलिफ लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ मैदानों में कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए हैं, उनके हालात ज़िंदगी और कारनामे इस हिस्से में मिलेंगे। लेकिन लास्ट ईयर इस हिस्से में गवर्नमेंट ने चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से भी एक लेसन शामिल किया है, जो टेक्निकली हीरोज़ के तहत तो नहीं आता, लेकिन चूंकि उस ही पार्ट में इसको शामिल किया गया है तो मैंने उसको भी इसके अंदर ऐड कर दिया गया है लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है इल्मी तौर पर कि जो चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से लेसन एक डायलॉग की सूरत में वो हीरोज़ के ज़िमन में नहीं आता, लेकिन उस ही हिस्से में इसको शामिल कर दिया गया है। इस हिस्से में से भी 12 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि 6 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज वो 2 मार्क्स है, तो इसके 12 मार्क्स हो गए। अब अगर आप दोनों को ऐड करें तो 24 मार्क्स बनते हैं। तो शुरू में मैंने कहा था कि पेपर पैटर्न आपको ये बात भी बताता है कि आपके लिए एग्ज़ाम के एतबार से या मार्क्स के एतबार से कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। तो ये बुक आपके लिए ज़्यादा अहम है, और ख़ास तौर इसलिए कि एक तो ये है कि इसके 24 मार्क्स हैं, दूसरा पहलू क्या है कि इसका जो सेकंड पार्ट है जो जिसको हमने हीरोज़ कहा है, इसमें 6 लेसन्स हैं लेकिन इसका वेटेज 12 ही है, जबकि जो पहला पार्ट है इसमें 10 लेसन्स हैं लेकिन उसका वेटेज भी 12 है। तो यहाँ पे 4 लेसन जो आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पर आपको 4 लेसन्स कम प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने तवज्जो तो दोनों को देनी है, लेकिन यहाँ पर तवज्जो का लेवल जो है या टाइम का लेवल या एम्फोसिस का लेवल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए कि आपको थोड़ी एफर्ट से जितने मार्क्स मिलेंगे उनका वेटेज सेम है, दोनों का वेटेज सेम है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। इसके बाद हमारे पास एक और बुक है जिसका टाइटल जो है गुड बाय मिस्टर चिप्स है, और ये नॉवल है या आप इसको नॉवलेट भी कह सकते हैं चूंकि ये छोटा है। इसके 18 चैप्टर्स हैं, इसमें से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, और 16 मार्क्स का मतलब क्या है कि 8 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क्स है, तो इसका मतलब मैथमेटिकली कि 16 मार्क्स पे मुश्तमिल यहाँ से सवालात आएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मिस्टर चिप्स के हवाले से हैं वो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से मिल जाएंगे वक्त गुजरने के साथ साथ अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो ये टोटल बुक्स के हवाले से हमारे पास मार्क्स की वेटेज आती है वो क्या है जी, 40 मार्क्स है। तो 40 मार्क्स आपके लिए 80 में से गोया 50%, अगर सब सिर्फ सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करें तो 50% आपका सब्जेक्टिव एग्ज़ाम किस बात पे मुश्तमिल है, बुक्स पे मुश्तमिल है। और बुक्स में मैंने आपको बताया कि ये जो हीरोज़ वाला हिस्सा है यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत के साथ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आप अपने तवज्जो और एम्फसिस इस हिस्से पर कदरे ज़्यादा रखें। जब मैं ये कहता हूँ कि कदरे ज़्यादा रखें, इसका कतअन मतलब नहीं है कि बकिया पार्ट्स को आपने इग्नोर करना है, सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपका जो लेवल ऑफ एरर्स है, या यूं कह लें मार्जिन, ज़्यादा बेहतर फ्रेज़ क्या है जी, मार्जिन ऑफ एरर है वो कम से कम होना चाहिए। हर शख्स गलतियाँ करता है, मैं भी गलतियाँ करता हूँ, आप भी करेंगे, तो बोलते हुए लिखते हुए हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आप जो है मार्जिन ऑफ एरर कम से कम रखें, ताकि आपका जो क्रेडिट है वो 12 ही हो, 12 से कम ना हो। तो आइडियली तो हर जगह पर आपको पूरा 100% जो है क्रेडिट मिल लेना चाहिए, यानी कि 40 out of 40, लेकिन मैंने कहा कि हर चीज़ जो है वो आइडियल्स पर नहीं होती, कहीं कहीं हमसे गलती ना चाहते हुए भी हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अपना मार्जिन ऑफ एरर कम से कम करने की कोशिश करनी है, और आप कर सकते हैं क्योंकि आपके ज़िम्मे थोड़ा हिस्सा। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम बुक्स के बाद अपने सब्जेक्टिव पेपर में या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम में जिन चीज़ों को तैयार करेंगे उनका ज़िक्र करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी बोर्ड पे वो है एसेज़।
अब ये वर्ड ऐसे जो है या ऐसेज जो है, इसको आपने वो बुक में जो हमने ऐसे का वर्ड इस्तेमाल किया था उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। वो एक अलग चीज़ है अपनी नौइयत के एतबार से, और ये एक अलग चीज़ है। ऐसेज में आपने क्या करना है जी, इससे आप बड़ी छोटी क्लास से वाकिफ हैं। मतलब सादा सी एग्जांपल लें, जो गालिबन आजकल के दौर में पहली क्लास से शुरू हो जाती है, माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये एक एग्जांपल है इस टाइप के। करप्शन, डेमोक्रेसी, ये टॉपिक्स हैं। अकाउंटेबिलिटी, एनर्जी क्राइसिस, तो इस तरह के जो मशहूर व मारूफ और अहम टॉपिक्स हैं, इन पर आपको लिखने के लिए एक एसे दिया जाएगा। अमूमी तौर पर उसकी लेंथ जो है वो 300 टू 350 वर्ड्स होती है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में लेंथ को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, तो प्रैक्टिकली इस बात पर अमल इतना ज़्यादा नहीं होता। आप अपने ऐसे को इन 350 वर्ड से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि अक्सर तालिबे इल्म ज़्यादा मार्क्स के लिए इसकी लेंथ को बढ़ाते हैं और समझते हैं कि उन्हें ज़्यादा इसमें से क्रेडिट मिलेगा, और क्रेडिट मिलता भी है। हमारा कुछ सिस्टम, असेसमेंट का सिस्टम इस तरह का है कि जहाँ पर लेंथ अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट हो गई है और क्वालिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम नीचे की तरफ चली गई है, तो आपने अगर ज़्यादा मार्क्स लेने हैं तो अपने ऐसे की लेंथ को भी ज़्यादा रखना है। वो हम आइंदा आने वाले सेशंस में देखेंगे कि लेंथ क्या हो सकती है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं। फ़िलहाल आपने जहन में ये रखना है कि आपको 15 मार्क्स के लिए एक ऐसे लिखना है। अमूमी तौर पर एग्ज़ाम में 4 एसेज दिए जाते हैं या टॉपिक्स दिए जाते हैं एसेज के लिए, आपने उनमें से किसी एक पर अपना मज़मून या ऐसे लिखना है। उसके बाद दूसरा हिस्सा अहम है, अहम इस लिहाज से, वैसे तो हर चीज़ ही अहम है, कि ये आपकी वोकैबुलरी को इन्हांस करेगा। ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है, ज़ाहिर है इसकी अहमियत है। लेकिन जब आप लैंग्वेज की बात करते हैं तो कोई भी लैंग्वेज जो है ईडियम्स है और फ्रेजल वर्ब से खाली नहीं होती। ईडियम्स क्या होते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, ये अभी हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसकी अहमियत की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि शुरू में भी हम वोकैबुलरी की बात कर चुके हैं कि आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज लर्न करें और उसको के लिए किसी एग्ज़ाम में अपीयर हो, तो उसमें उस लैंग्वेज की वोकैबुलरी हमेशा आपके लिए सबसे अहम या जो अहम चीज़ें हैं उनमें से टॉप प्रायोरिटी पर रहेगी। अब हम देखते हैं कि ईडियम्स क्या होते हैं। इंग्लिश में ईडियम के एक से ज़ायद मानी हैं, तो हम सारे मानी नहीं देखेंगे बल्कि उस मानी की तरफ तवज्जो देंगे जो कि एग्ज़ाम के हवाले से आपके जहन में होना चाहिए। इसको एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए देखें कि मैंने ईडियम की नीचे एक एग्ज़ाम्पल लिखी है बोर्ड पर, मैं इसको पढ़ता हूँ। कॉल अस पेड अस पेड। अब 1, 2, 3, 4, 5 आपको 5 जो हैं वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। हर वर्ड का एक अलग-अलग मानी है। कॉल के लफ्ज़ से आप वाकिफ हैं, चले हम इसका मानी पुकारना कर लेते हैं, और भी कई माने हैं। एक को छोड़ते हैं जी, स्पेड जो है वो बेलचे को कहते हैं, बेलचे का वर्ड दोबारा आ गया, तो बेलचे को बेलचा कहना। तो अब आप देखें, ये अभी जो मैंने इसका तर्जमा उर्दू में किया है ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा है, लेकिन असल में इसके मानी क्या है जी, सच बात कहना, जो बात जैसे है उसको वैसे ही कहना। तो फिर अब ईडियम क्या बना। ईडियम जो है एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है जिसके इंडिविजुअल मीनिंग जो हैं उस कॉम्बिनेशन में शामिल, जितने भी वर्ड्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी, उनके इंडिविजुअल मीनिंग्स नहीं लिए जाते बल्कि उनके इस्तलाही मीनिंग लिए जाते हैं। जैसा कि आपने देख लिया कि यहाँ पर हमने इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग भी कर लिए और इसका इस्तलाही मानी भी कर लिया। एक एग्ज़ाम्पल और दे दें। ये एग्ज़ाम्पल भी इसलिए लिखी गई है कि उर्दू में भी ये मुस्तमल है। क्या है जी, क्रोकोडाइल टीयर्स के, मगरमच्छ के आंसू बहाना। तो अब उर्दू में भी ये मुहावरा चलता है और इंग्लिश में भी है, तो लफ्जी मानी तो यही है, मगरमच्छ के आंसू। लेकिन हम सभी जानते हैं उर्दू में एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ है टसवे बहाना, यानी झूठ मूठ रोना। किसी वाक़े पर आप अपने गम का इजहार आंसुओं की सूरत में कर रहे हैं, लेकिन वो गम क्या है या दुख क्या है
वो महज दिखावे के लिए है, आपके दिल में किसी किस्म का कोई गम नहीं है, आप अपने किसी दुनियावी या मादी फायदे के लिए या लोगों को धोखा देने के लिए वो आंसू बहा रहे हैं, तो ये इसका इस्तलाही मानी है। तो ये जो पोर्शन है idioms, अभी आप देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब्स, इसको हम अलहदा से डिस्कस करेंगे कि ये जो पोर्शन है जिसकी दो एग्जांपल्स हैं, ये भी जो है 10 marks में रहेगा। और अमूमी तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ुकात इससे हटके भी होता है, ये एग्ज़ाम में 5 इनका नंबर होता है, 5 मतलब है कि 5 idioms होते हैं और 3 जो हैं तादाद में फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, टोटल 8 हो गए। आपने उसमें से 5 अटेम्प्ट्स करने हैं, हर idiom या फ्रेजल वर्ब का मार्क जो है, यानी मार्क का वेटेज जो है वो 2 है, 2 marks हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपने 5 idioms या फ्रेजल वर्ब्स अटेम्प्ट किए हैं तो आपको 10 marks इसका क्रेडिट मिलेगा। यहाँ पर यह बात भी जहन में रखनी चाहिए कि बाज़ुकात जो बोर्ड जो है ये हदायत भी जारी कर देते हैं कि अगर आपने ओवर अटेम्प्ट किया है, यानी कि 8 के 8 आपने अटेम्प्ट कर लिए और उसमें से जो भी 5 सही होंगे आपके ख्याल के मुताबिक, उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा। समटाइम्स ये हदायत भी आ जाती है कि जो फर्स्ट आपकी 5 अटेम्प्ट्स होंगी उन्हीं को क्रेडिट दिया जाएगा। अभी तक ये सिलसिला नहीं चल रहा, पहले चलता था माजी में, तो आपको पता है कि चीज़ें चेंज होती रहती हैं, अभी पूरा साल पड़ा है, सेशन पड़ा है, तो इस बात की तरफ भी मतवज्जो रहना है कि पेपर में जो किसी भी क्वेश्चन के हवाले से हदायत दी जाती है उसको नज़रअंदाज नहीं करना। सपोज़ अगर इस क्वेश्चन के हवाले से जो idioms और फ्रेजल वर्ब्स का क्वेश्चन है, आपको हदायत दी जाती है कि आपने 5 ही अटैम्प्ट करने हैं तो 5 ही करें, एक्स्ट्रा आपकी अटैम्प्ट को वेटेज नहीं दिया जाएगा, तो वो फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स आप ही को क्रेडिट मिलेगा। लेकिन आपने मुतमिन रहना कि अभी तक ऐसा है नहीं, होने को हो सकता है, किसी दौर में ये था, मैं ज़रा पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, मुख्तलिफ लेवल्स पर ये बात चलती रही है, बीए में भी रहा, बीएससी में भी ये बात रही, इंटरमीडिएट लेवल पर भी एक दौर में रही, अभी नहीं है। लेकिन मकसद इसका ज़िक्र करने का ये है कि किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से बोर्ड अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर में हदायत देता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना, वो गैर अहम नहीं होती। अब इसी ही क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं, वो है फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप इसमें देखें तो ये वाला जो फ्रेज है ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक वर्ड फ्रेज है और दूसरा वर्ब है। वर्ब से आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, मैं सिर्फ फ्रेज का हल्का से मुराद ये है कि मुख्तसर सा जिक्र करूँगा। इसको जानने के लिए आप जो हमारे यहाँ रवायती तौर पर जुमले की डेफिनेशन की जाती है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, उसको ज़रा मद्देनज़र रखें। मैं डेफिनेशन नहीं दोहराऊंगा बल्कि उस डेफिनेशन की 3 खसूसियात का जिक्र करूंगा कि क्या है। वो कहते हैं कि एक सेंटेंस या जुमला जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, एक खसूसियत। दूसरा क्या है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुल होता है, यानी उसके कोई ना कोई मानी होती हैं, बेमानी नहीं होता। और तीसरी खसूसियत क्या है कि वो मानी मुकम्मल होता है, यानी इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होता बल्कि मुकम्मल होता है। तो अब फ़र्ज़ करें आपके पास कोई एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स आ जाए जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी है। इंग्लिश में आप जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कहेंगे तो ग्रामर के अतबार से हमारी कम अज़ कम रिक्वायरमेंट 2 words है कि कम अज़ कम 2 words होंगे, ज़्यादा जितने मर्जी आप कर लें। तो जो भी कॉम्बिनेशन आए वो क्या है जी, बामानी हो और कंप्लीट हो, ये हमने सेंटेंस की किया। इसमें से एक चीज़ को अगर हम मिनहा कर दें वो क्या है, कंप्लीशन, कि बाकी दोनों खसूसियात तो मौजूद हैं, यानी कॉम्बिनेशन भी मौजूद है और वर्ड्स जो हैं वो मीनिंगफुल भी हैं, लेकिन वो मानी जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी मुकम्मल नहीं है। तो मिसाल के तौर पर इन द रूम, कमरे में, अब आप देखें कि 3 words का ये कॉम्बिनेशन है और इसके एक मानी भी बन रहे हैं कमरे में, लेकिन जाहिर है ये मीनिंग इनकम्प्लीट है। ऑन द डेस्क, डेस्क पर, तो कॉम्बिनेशन है 3 words का, मीनिंग भी है लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनके मानी जो हैं वो इनकम्प्लीट हों, उनको अमूमी तौर पर हम फ्रेजेस कहते हैं। तो आप जब किसी भी फ्रेज के
चूँकि कॉम्बिनेशन है, तो उस कॉम्बिनेशन में अगर एक लफ्ज़ जो है वो वर्ब हो और उसके बाद दूसरा या तीसरा जितने भी उसके आगे वर्ड्स आ रहे हैं, फ़र्ज़ करें दो हैं, तो दूसरा वर्ड कोई प्रेपोजिशन या एडवर्ब हो। देखिए ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, जैसे बेयर आउट है, तो आउट की हैसियत ग्रामर में प्रेपोजिशन की भी है और एडवर्ब की भी है। अब इनमें फ़र्क जो है, जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से गुफ्तगू आइंदा आने वाले सेशंस में करेंगे, वो चलता रहेगा। फ़िलहाल यूं ही एक इशारा सा है, हिंट सा है आपके लिए। तो इसमें देखें कि इस कॉम्बिनेशन में, ये एग्जांपल थर्ड नंबर पे है, बेथ जो है ये एक वर्ब है और आउट जो है ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। तो इन दोनों को मिलकर हमारे पास एक फ्रेज आ गया। इस फ्रेज में एक प्रेपोजिशन है और एक क्या है जी, वर्ब है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, एक बात होगी। दूसरी बात जो आपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर भी इनके लिटरल मीनिंग मुराद नहीं है। लिटरल मीनिंग से मुराद लफ्जी माने, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ पर हमने इस कॉम्बिनेशंस के जो नंबर वन और टू पे है लफ्जी मानी नहीं लिए बल्कि इस्तलाही माने लिए हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर बेयर आउट और पुट अप विद जो है इनके लफ्जी मानी हमने नहीं लेने बल्कि इस्तलाही मानी लेने। तो क्या हुआ जी कि बेयर आउट के मानी है तस्दीक करना, कंफर्म करना। तो अब आप देख लें कि बेयर के अमूमी तौर पर जो हमारे पास जेन में मानी आते हैं वो क्या है जी, बर्दाश्त करना। और भी हैं लेकिन जो सबसे कॉमन इसका मीनिंग है बच्चों के या तलबा के जेहन में रहता, वो क्या है जी, बर्दाश्त करना। आउट आप जानते हैं बाहर को कहते हैं। तो अब आप देखें कि दोनों के लफ्जी मानी जो हैं उसके इस्तलाही मानों में उनकी झलक कतअन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे केमिस्ट्री में कंपाउंड होता है, जब दो एलिमेंट्स या दो से ज़ायद मिलते हैं तो एलिमेंट्स की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं, कंपाउंड में एक नई प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है या एक नई एंटिटी आ जाती है जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। ये मैंने, चूँकि मैं साइंस का तालिब इल्म नहीं हूँ, एक लेमैन के तौर पर कंपाउंड की केमिस्ट्री के हवाले से बात की है। टेक्निकली अगर इसमें कोई गलती हो तो वो हमारे साइंस के जो असातज़ा हैं, मुअज़्ज़ज़ असातज़ा, वो मुझे उम्मीद है दरगुजर करेंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अब इसके लफ्जी मानी गायब हो गए। तो बेयर आउट तस्दीक करना। दूसरी एग्जाम्पल देखें पुट अप विद। अब पुट अप और विद, इसमें अगर आप देखें पुट वर्ब है, अप यहाँ पर टेक्निकली एडवर्ब है और विद जो है ये प्रपोजिशन है। तो आप इनके अलहदा अलहदा से मानी करेंगे तो कुछ और हैं, इनके इस्तलाही मानी क्या है जी, बर्दाश्त करना। तो ये होते हैं जी फ्रेजल वर्ब्स। तो इसको मैं रिपीट कर दूं कि फ्रेजल वर्ब्स में एक लफ्ज़ जो है वो वर्ब है, इसके अलावा एक या एक से ज़ायद आपके पास प्रपोजिशन या एडवर्ब होगा, उनके मानी हम लफ्ज़ी नहीं लेंगे बल्कि इस्तलाही लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। किसी भी लैंग्वेज में इडियम्स की तादाद हमेशा बहुत ज़्यादा होती है। जो इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं और फ्रेजल वर्ब्स हैं, हम अपने आइंदा आने वाले लेक्चर्स में उनका ज़िक्र जो है वो हार्ड फॉर्म में भी और सॉफ्ट फॉर्म में भी आपके साथ करेंगे। तो इसके 10 मार्क्स हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है जी, वो ट्रांसलेशन फ्राम उर्दू इनटू इंग्लिश। तो शुरू में भी मैंने जिक्र किया सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की बात करते हुए कि आपको ट्रांसलेशन नहीं आनी। ट्रांसलेशन कौन सी नहीं आनी जी, इंग्लिश से उर्दू में नहीं आनी। तो फिर क्या आएगा, फिर क्या होगा कि एक उर्दू का पैराग्राफ होगा जिसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। और ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि तकरीबन 95% वो पैरा अनसीन होता है, यानी मैट्रिक की तरह ऐसे नहीं है कि आपने 30 या 40 पैराग्राफ्स को क्रैम कर लिया और उसके बाद उनमें से कोई एक पैराग्राफ आ गया, आपने अपने क्रैम किए हुए मटेरियल को रिप्रोड्यूस कर दिया और 15 या 10 आउट ऑफ 10 ले लिए, 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स ले लिए। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, ज़्यादातर से मुराद है कि मोर देन 90% जो है आपका उर्दू का पैसेज अनसीन होता है। तो कोई भी चीज़ जब अनसीन होगी और उसको आपने ट्रांसलेट करना है उस लैंग्वेज में जो आप लर्न कर रहे हैं, तो आपको जहन में रहना चाहिए कि दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वोकैबुलरी और रूल्स।
तो इसलिए शुरू से ही मैं बार बार वोकैबलरी का जिक्र कर रहा हूँ कि आपने अपनी वोकैबलरी इन्हांस करनी है, बढ़ानी है। तो इसके 15 मार्क्स हैं। अब इस सारे को अगर आप टोटल करें तो 15, 10, 25, 15, 40, तो 40 मार्क्स बुक्स में से होंगे, 40 मार्क्स में ये तीन अज्जा होंगे जिनसे मिलके आपका सब्जेक्टिव पेपर जो है वो कंप्लीट होगा। तो इस पूरी गुफ्तगू को अज़ीज़ तलबा हम रीकैप करते हैं कि आपका इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स पे मुश्तमिल होगा, उसमें 20 मार्क्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम पे मुश्तमिल होंगे और 80 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पे मुश्तमिल होंगे। और इनकी तफसील आपने पढ़ ली। आखिर में आपसे सिर्फ ये गुजारिश है या नसीहत कह लें कि आप डे वन ही से पढ़ना शुरू करें, इस पैटर्न को ना सिर्फ लफ्जी तौर पर बल्कि कंसेप्चुअली भी अपने जहन में बिठा लें। आपका कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के हवाले से क्लियर होना चाहिए। उम्मीद है आज की गुफ्तगू आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।